इंद्री के पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। पूरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा में एकत्रित होने का आह्वान किया है। भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में काफी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में कोई भी फूट नहीं है। सभी मिलकर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप पर बोले, कहा कि मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया है, ना कि अपने पद से। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए और मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। इतनी समय निकाल कर हमारे बीच में आए और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है, भारत जोड़ो यात्रा, जो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी की चल रही है, उसके बारे में आपसे रूबरू होना है। ये यात्रा जो निस्वार्थ रूप से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिसका पूरा समर्थन पूरे देश के अंदर मिल रहा है, और 5 तारीख को ये हरियाणा में दूसरे चरण में शामिल होगी, और हमारा जो प्रोग्राम करनाल जिले का आया है उससे पहले 6 तारीख को बहुत बड़ी एक महारैली होने जा रही है पानीपत में, 13 सेक्टर 13 और 17 में। उसका न्योता भी हम दे रहे हैं सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे करना इंद्री हल्के से ज़्यादा लोग वहां पर शामिल हों रैली में, और रैली के बाद फिर करनाल में 7 तारीख को ये पैदल यात्रा शुरू होगी कोण से, और ये समाप्त होगी इसमें उचाना लेक पर जाके। भारत जोड़ो यात्रा में माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रा पर हैं, और वो अपने साथियों के सहित चल रहे हैं, सभी उनके साथ चल रहे हैं। हम दिल्ली में भी गए थे ना, वहाँ पे राजस्थान के बॉर्डर पर, तो बहुत लोग उनके साथ चलते हैं और इतना लोगों में जोश है कि बहुत देखने को बनता है, और लोग इतने लोग हमने भी कभी नहीं देखे जो जितनी उनकी यात्रा में होते हैं, और डिसिप्लिन के साथ होते हैं लोग। ऐसा नहीं धक्का मुक्की नहीं कोई वो उसमें, वहाँ कोई वो नहीं। तो हमारे हरियाणा में भी यहाँ वो एंट्री कर रहे हैं दोबारा से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सभी साथी मिल करके इंद्री हल्के से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे उनके स्वागत के लिए। पहले तो रैली है, रैली में सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाएंगे। पहले भी यहाँ एक मीटिंग हो चुकी है और आज यहाँ पर मीटिंग है,